नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, 80 वर्षों बाद 1 नवंबर को करवा चौथ है, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही मायने रखता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम को पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। माँ पार्वती को ही चौथ माता कहा जाता है और रात्रि में चंद्रदेव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्यवती होने की कामना से यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। कुमारी कन्याएं मन वांछित फल और सुहागिन वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, इस बार का करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर करवा चौथ व्रत का पूजन संध्या काल के समय किया जाता है, यानी जब चंद्रदेव दिखाई दें, उनकी लालिमा दिखाई दे, तभी से पूजा प्रारंभ हो जाती है। और इस बार संध्या काल का पूजन का शुभ मुहूर्त है 1 नवंबर दिन बुधवार को शाम 6 बजे से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वैसे तो आप 5:55 से प्रारंभ कर सकते हैं, 6 बजे से प्रारंभ करके रात्रि 7:20 तक करवा चौथ पर आप यानी कि कर सकते हैं। सुबह 6:20 पे भी, यानी कि जब सूर्य उदय होगा, हालांकि इस बार 6:16 पर ही यानी सूर्य उदय हो जाएगा, इसलिए सुबह 6:16 से पहले शर्गी अवश्य ही खा लें। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र भी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि इस दिन चंद्रमा का पूजन करने के लिए खास माना जाता है और दोस्तों इससे चंद्रदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में चंद्रदेव के पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव के पूजन के बिना करवा चौथ और व्रत का पूजन पूर्ण नहीं होता। चंद्रदेव के आशीर्वाद के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए करवा चौथ पर चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है। इसलिए इस दिन महिलाओं को बेसब्र से चंद्र उदय का इंतजार करती हैं। इस बार चंद्र उदय का समय यानी कि जो होगा वो रात्रि 8:05 पर हो जाएगा। चंद्रदेव सौभाग्य के कारक देवता हैं। महिलाएं चंद्र उदय होने पर देर रात तक इंतजार करती हैं और कई बार बादलों की ओट में चंद्रदेव छिप जाते हैं, जिस वजह से महिलाओं को काफ़ी देर हो जाती है और वह व्रत का पालन यानी कि नहीं कर पाती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि चंद्रमा के पूजन का इतना महत्व क्यों है? शास्त्रों में उल्लेख है कि सौभाग्य पुत्र धनदायक, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का एक अन्य कारण यह भी है कि चंद्र मन के औषधि के कारण है, के कारक है, मन के कारक अधिपत्य देवता है। उनके अमृत वर्षा करने में भी वनस्पतियों और मनुष्य के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। दिन भर उपवास के बाद चतुर्थी को चंद्रमा को छलनी की ओट में से जब स्त्रियां देखती हैं अपने पति को, उनके मन में पति के प्रति अनन्य अनुराग का भाव उत्पन्न हो जाता है। उनके मुख और शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है, स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ उत्पन्न होता है और दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार जो व्यक्ति चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्म को जानकर उनकी उपासना करता है, वह उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं वह लंबी आयु पाता है। इसीलिए करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और सभी संकटों को टालने के लिए चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव का पूजन करने से पहले संध्या काल के समय भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव जी का पूजन करें
पूजन करते समय ही आप एक करवा में शुद्ध जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर पूजन के दौरान आप अवश्य ही रखें। फिर इसे करवे से आपको रात्र को चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए पूजन की थाली तैयार करें। थाली में आप करवा रखें, वही करवा जिसे पूजन के दौरान आपने जल भर कर रखा है। इस करवे से आपको चंद्रदेव को जल को देना है। चंद्रदेव को अर्घ देने से पहले आप इस करवे में कुछ जरूरी वस्तुएं अवश्य डाल लें। करवे में सबसे आप यानी कि कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ अपनी इनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं गणेश जी की, जैसे कि दूर्वा वगैरह भी डाल लें। फिर इसके बाद उन्हें अर्धे और छलने से अपने पतिदेव को देखें। दोस्तों ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से आपके घर में गणेश भगवान, माता पार्वती और शिव जी की कृपा बरसती है। दोस्तों खास बात तो यह कि इस बार के करवा चौथ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण भगवान गणेश जी, माँ पार्वती और साथ ही साथ शिव जी की विशेष कृपा बरस रही है कुछ राशियों पर। इन राशियों की इस दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी कृपा से किस्मत चमकने वाली है। तो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां रहेंगी दोस्तों, आइए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली भाग्यशाली रहेगी राशि मेष राशि। मेष राशि को बता दें कि इस बार के करवा चौथ पर अब आपके ऊपर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन भी है और बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत भी है और इसी दिन यानी कि गणेश जी का दिन भी है, जो कि बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। दोस्तों बता दें कि ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और कई जन्मों की गरीबी दूर होगी। दोस्तों बता दें कि गणेश भगवान के अलावा माँ लक्ष्मी कृपा भी बरसेगी। मेष राशि को इनकम बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, धन संपत्ति में लाभ होगा, कारोबार का विशेष लाभ होगा, उपलब्धियां कदम चूमेगी। बता दें कि इसमें नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगले जो भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता मिलने से लाभ की स्थिति बनी रहेगी, व्यापार में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होगी, इनकम बढ़ने से मन काफी प्रसन्न रहेगा, लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे, घर परिवार में सुख समृद्धि बरसेगी, इनकम की बढ़ोतरी होने से मन काफी अच्छा रहेगा, पार्टनर में कोई बिजनेस व्यापार करेंगे तो विशेष लाभ होगा, भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, साथ ही इस दिन आप कोई भी दान दक्षिणा करेंगे तो लाभकारी रहेगा। अब अगली जो भाग्यशाली राशि आती है तीसरी दोस्तों बता दें वो है कन्या राशि। कन्या राशि को इस बार के करवा चौथ पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग से अब आपकी लॉटरी लगेगी, किस्मत चमकेगी, आपको करोड़पति धन से मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता, धन व्यापार में वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य पूरा होगा, महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी, जो भी कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, नजदीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूरे होते नजर आएंगे, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफी समय से अधूरे थे, पेंडिंग थे। बता दें कि इसमें विदेश जाने का मौका मिलेगा, धन प्राप्ति के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, बैंक से लोन वगैरह मिल सकते हैं जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, धन व्यापार में तेजी से वृद्धि भी देखने को मिलेगी जो आपके लिए काफी विशेष रहेगा, नजदीकी मित्र का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों आपको इसमें कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी। अगली चौथी भाग्यशाली राशि है यहाँ पर दोस्तों मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि अब आपकी इनकम बढ़ेगी, जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार तेजी चलेगा, रुका हुआ फसा हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा, घर में खुशियों का संचार होगा, संतान की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ किसी महिला के द्वारा आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, धन आने का स्रोत बढ़ेगा, साथ ही साथ बता दें कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, ये करवा चौथ आपके लिए काफी शुभ रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इनकम इतनी तेजी से बढ़ेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, चारों दिशाओं से धन खींचा चलाएगा। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों पांचवी वो है मीन राशि। दोस्तों बता दें कि मीन राशि को आपकी इनकम में तेजी से लाभ होगा, जो कार्य अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा करेंगे, व्यापारियों को लाभ रहेगा, समाज मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपके पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जमीन प्रॉपर्टी में इजाफा प्राप्त होगा, साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा, किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, पार्टनर में कोई काम करते हैं तो काफी लाभ होगा, नजदीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में भी आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे, इनकम बढ़ेगी। अब दोस्तों छठवीं जो राशि आती है वो है
तुला राशि, तुला राशि को आपका कार्य तेजस बढ़ेगा, लाभ के योग बने रहेंगे, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा, कुछ अधूरे कार्य पूरा करेंगे और मनचाही सफलता मिलने के योग बनेंगे जिससे आपको लाभ होगा। तो ये चंद्रग्रहण इन छह राशियों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। इसलिए तो कहा है कि पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे 80 वर्षों बाद। 1 नवंबर को करवा चौथ, छह राशियां होंगी करोड़पति मालामाल। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जय चंद्रदेव साथी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।